नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी फटाफट। मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। नजर डालते हैं यूपी की खबरों पर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जनपद हापुड़ पहुंचे, जहां भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के मौके पर आयोजित सुशासन दिवस व कृषक संगोष्ठी के कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित में उठाए गए कदमों को गिनाते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कानपुर के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने लोक निर्माण विभाग के द्वारा 89 परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जिसकी कुल लागत लगभग 50 करोड़ की है। वहीं लोकार्पण के बाद मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। चित्रकूट में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को बीजेपी ने सुशासन दिवस के रूप में बड़े ही धूमधाम से मनाया। पहाड़ी ब्लॉक परिसर में किसानों को जागरूक करने के लिए प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस सुशासन दिवस के रूप में जनपद बहराइच में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पूर्व पीएम के जन्म दिवस पर जनपद के सभी विकास खंडों में किसान समारोह भी आयोजित किया गया। इस समारोह के दौरान जनपद के तमाम किसानों के बीच बीजेपी के तमाम नेताओं ने कृषि बिल को लेकर भी बात की। संभल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक प्रधानमंत्री को जान से मार देने की धमकी देता नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद हरकत में आई पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हाथरस कांड में सीबीआई के चार्जशीट दाखिल करने के बाद आरोपियों के पक्ष में सभा करने आ रहे करनी सेना के 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और सभी का शांति भंग में चालान किया गया है। बता दें कि करनी सेना कार्यकर्ताओं ने आरोपियों के पक्ष में सभा करने का ऐलान किया था। खबर हाथरस से है, जहां घर में चाय बनाते समय गैस सिलेंडर में अचानक आग लगने से हादसा हो गया। इस हादसे में आग की चपेट में आने से 12 साल की बच्ची की झुलस कर मौत हो गई। वहीं बच्ची की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। अम्बेडकर नगर पुलिस मुठभेड़ में 75,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाश के पास से ट्रक, एक बाइक और तमंचा बरामद किया है। मुठभेड़ के दौरान इनामी बदमाश के पैर में लगी गोली से बदमाश घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। बलिया में शॉर्ट सर्किट के चलते अचानक साइबर कैफे में आग लग गई। आग की चपेट में आने से कैफे में रखा सामान जलकर राख हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अमरोहा में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने आवारा पशुओं को गांव में ही बने प्राथमिक विद्यालय में बंद कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि ये आवारा पशु किसानों की फसलों को बर्बाद करते थे। फिलहाल किसानों ने अपनी फसल को बचाने के लिए प्राथमिक विद्यालय की शरण ली है। यूपी फटाफट में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।